अगर आपको स्पोर्ट्स से बेहद प्यार है, स्पोर्ट्स से जुड़े इवेंट, मैच की कवरेज और बड़ी बड़ी हस्तियों से इंटरव्यू के अलावा आदि तरीके से ऑडियंस तक जानकारी पहुंचाना चाहते हैं, तो आपके लिए स्पोर्ट जर्नलिस्ट के रूप में करियर बनाना अच्छा साबित हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर पीटर यूट्यूब चैनल पर, मैं अजीत सिंह। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं एक स्पोर्ट जर्नलिस्ट कैसे बने, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, समय के साथ साथ स्पोर्ट न्यूज का कवरेज महत्व बढ़ गया है। देश और दुनिया में स्पोर्ट इवेंट चलते ही रहते हैं। एक स्पोर्ट रिपोर्टर या स्पोर्ट जर्नलिस्ट के रूप में आपको स्पोर्ट गेम्स, इवेंट, वेन्यू और प्रतियोगिताओं के बारे में रिपोर्ट करना होता है। स्पोर्ट से जुड़े इवेंट और इससे संबंधित हो रहे कार्यक्रम की जानकारी ऑडियंस केवल मैदान पर होने वाले घटनाओं के बारे में जानने के लिए उत्सुक है, बल्कि पर्दे के पीछे खिलाड़ियों के निजी जीवन के बारे में भी जानना चाहते हैं। और खास बात यह है कि स्पोर्ट जर्नलिस्ट आंकड़ों का तड़का लगाते हैं तो सुनने वाले या देखने वाले भी हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, देश में ऑडियंस खेल को देखने के अलावा इससे जुड़े सभी समाचार के बारे में यानी कि आंकड़ों इससे संबंधित पढ़ने में भी इंटरेस्ट रखते हैं। इसी के चलते स्पोर्ट जर्नलिस्ट की बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण खेल पत्रकारिता से जुड़े न्यूज चैनल, वेबसाइट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी स्पोर्ट जर्नलिस्ट के रूप में करियर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जिस स्पोर्ट में जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको उस खेल के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि क्रिकेट, हॉकी या बड़े स्पोर्ट इवेंट के अलावा कई प्रकार हो सकते हैं। आज के समय की खास बात यह है कि आज का दौर डिजिटल मीडिया का है। ऐसे में आपके लिए इस करियर फील्ड में बेहतरीन करियर ऑप्शन उपलब्ध है। खास बात यह है कि इस फील्ड में आपको अच्छी खासी सैलरी के अलावा खिलाड़ियों से जुड़ने का भी मौका मिलता है। और इसके साथ ही जाहिर सी बात है कि खेल में इवेंट को कवर करने के लिए हवाई यात्रा और विदेश जाने का भरपूर मौका मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट का क्या काम होता है। दोस्तों, स्पोर्ट जर्नलिस्ट एक जर्नलिज्म का हिस्सा है जिसमें आपको वर्क करना होता है। स्पोर्ट जर्नलिस्ट कैसे बने ये जानने से पहले आपको बताते हैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट मुख्य काम, जिम्मेदारियां और कहां काम करने के मौके मिलते हैं। एक स्पोर्ट जर्नलिस्ट को स्पोर्ट इवेंट, टीमों, ऑर्गेनाइजेशन आदि की कवरेज करनी पड़ती है, जिसमें स्पोर्ट जर्नलिस्ट को खास तौर पर बड़ी शख्सियत का इंटरव्यू, पॉडकास्ट, आर्टिकल लिखना आदि जैसे काम हो सकते हैं। इसके साथ ही ऑफिस वर्क में डेस्क जॉब के रूप में खास टॉपिक पर एनालाइज करना, आंकड़ों को इकट्ठा करना, कॉलम लिखना, ऑनलाइन वेबसाइट के लिए कंटेंट राइटिंग, मैच की कवरेज करना, स्पोर्ट न्यूज की एडिटिंग, स्कोर की खबर को अपडेट करना या फिर लिखना, सिलेक्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करने जैसे काम होते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट इवेंट के दौरान लाइव कवरेज के लिए स्पोर्ट जर्नलिस्ट को कई जगह विदेश यात्रा भी करनी पड़ती है। दोस्तों, स्पोर्ट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे प्रोफेशनल पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो चलिए आपको बताते हैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट बनने के बाद आप कहाँ काम कर सकते हैं। स्पोर्ट जर्नलिस्ट बनने के बाद कैंडिडेट को कई जगह काम करने का अवसर मिलते हैं, जिसमें जाना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पोर्ट जर्नलिस्ट का काम खेल इवेंट, घटनाओं, मैच की कवर करना, इंटरव्यू लेना आदि जैसे काम हो सकते हैं। स्पोर्ट जर्नलिस्ट का बड़ी टीम के साथ काम करना होता है, जिसमें न्यूज एडिटर्स, मार्केटिंग ऑफिसर, एडवर्टाइजिंग एजेंसियां, ग्राफिक डिजाइनर के अलावा वीडियो प्रोडक्शन टीम के साथ काम करना होता है। अब आपको बताते हैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट को कहाँ काम करने के मौके मिलते हैं। आज का दौर डिजिटल मीडिया का है, ऐसे में इस माध्यम से हर किसी की पहुंच हो गई है। इस फील्ड में जाने के लिए पत्रकारिता से जुड़े कोर्स कर चुके कैंडिडेट को न्यूज चैनल, स्पोर्ट चैनल, न्यूज पेपर, मैगजीन, मीडिया हाउस, न्यूज एजेंसी, रेडियो स्टेशन, टेलीविजन कंपनियों से लेकर ऑनलाइन मीडिया और प्रिंट मीडिया में काम कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट के लिए ढेरों ऑप्शन उपलब्ध हैं। तो चलिए आपको बताते हैं हाउ टू बिकम ए स्पोर्ट जर्नलिस्ट। जर्नलिज्म एक ऐसा करियर फील्ड है जिसमें आपकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। कैंडिडेट अपने करियर की शुरुआत इंटर्नशिप से कर सकते हैं, जिससे आपकी अच्छी स्किल सेट आ जाए। ऐसे में स्पोर्ट जर्नलिस्ट बनने के लिए डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स, मास्टर कोर्स और पीएचडी तक भी कर सकते हैं। स्पोर्ट जर्नलिस्ट बनने के लिए मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। और इसके साथ ही स्पोर्ट जर्नलिस्ट बनने के लिए अलग से कोई कोर्स नहीं संचालित किया जाता है, यानी कि सिर्फ जर्नलिज्म का कोर्स करके इस फील्ड में जा सकते हैं।
ऐसे कैंडिडेट जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो अपने बीट के अनुसार खेलों के प्रति जानकारी को बढ़ाकर स्पोर्ट जर्नलिस्ट के रूप में दुनिया के सामने आ सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस फील्ड में डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स और मास्टर के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोमा कोर्स के बारे में। डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, डिप्लोमा इन वेब मीडिया ऑनलाइन मीडिया, डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिप्लोमा इन प्रिंट मीडिया। और इसके साथ ही अंडर ग्रेजुएट कोर्स की बात करें तो स्पोर्ट जर्नलिस्ट बनने के लिए ऐसे कई ग्रेजुएशन कोर्स हैं जिसमें एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको 12वीं में 60% अंकों से पास करना होता है, इसके बाद इसमें एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि कुछ विश्वविद्यालय इसे कम मार्क्स में भी एडमिशन प्रदान करते हैं, यानी कि टॉप कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो आपके पास अच्छे अंक आने चाहिए। इन कोर्सों की बात करें तो बीए इन मास कम्युनिकेशन, बीएससी इन मास कम्युनिकेशन, बीए इन जर्नलिज्म, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बैचलर इन ब्रॉडकास्ट, बैचलर इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, बैचलर इन प्रिंट मीडिया। तो चलिए अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के बारे में। अगर आप जर्नलिज्म से संबंधित पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन कोर्स करना पड़ेगा, इसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला हो सकता है। इन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की बात करें तो मास्टर इन मास कम्युनिकेशन, मास्टर इन प्रिंट मीडिया, मास्टर इन जर्नलिज्म, पत्रकारिता कोर्स के एडमिशन प्रक्रिया के बारे में। देश में ऐसे कई प्राइवेट और सरकारी कॉलेज विश्वविद्यालय हैं जर्नलिज्म से जुड़े डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स, मास्टर और पीएचडी कोर्स संचालित करते हैं। इन टॉप कॉलेजों में एडमिशन के लिए इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, तब जाके आपका एडमिशन हो पाता है। अगर आपको किसी नामी संस्थान में जर्नलिज्म से संबंधित कोर्स करना है और एडमिशन पाना चाहते हैं तो आपको इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लेने के लिए आपको इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। इसके साथ ही जो रैंक आएगा उसके आधार पर एडमिशन लिया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कहाँ मिलेंगे आपको काम करने के मौके। पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद नौकरी की शुरुआत आप किसी अच्छे न्यूज वेबसाइट, न्यूज चैनल और मीडिया हाउस में स्पोर्ट बीट में इंटर्नशिप कर सकते हैं, जिसमें आपको पैड इंटर्न मिल जाएगी। इंटर्नशिप करने के दौरान आपके स्किल सेट को और स्ट्रॉन्ग करें और स्पोर्ट बीट में आप अपनी जानकारी को बढ़ाएं और आंकड़ों को सटीकता से प्रस्तुत करें। सभी प्रकार के सभी जानकारी होने के बाद आप आसानी से स्पोर्ट चैनल, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, न्यूज चैनल, ऑनलाइन वेबसाइट, रेडियो स्टेशन, न्यूज पेपर और से जुड़े कई ऑर्गेनाइजेशन में आपके लिए मौके हो सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जर्नलिज्म कोर्स कहाँ से करें, यानी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया बंगलोर, सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन पुणे, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म चेन्नई, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास मीडिया दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली। इसके अलावा और भी प्राइवेट कॉलेज, सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी है जिसमें आप इससे संबंधित कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट के रूप में आपको कितनी तक की सैलरी मिलती है। स्पोर्ट जर्नलिस्ट के रूप में सालाना 2-3 लाख का सालाना पैकेज मिल सकता है या फिर इससे ज्यादा भी मिल सकता है। हालांकि जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसमें जॉब प्रोफाइल और काम करने के लिए आपको सुविधाओं के साथ साथ अलग अलग आपकी सैलरी हो सकती है और एक्सपीरियंस होने पर आपकी सैलरी और सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होती रहती है। इसके साथ ही टीवी पर स्पोर्ट से संबंधित प्रोग्राम करने वाले स्पोर्ट जर्नलिस्ट की बड़ी सैलरी पैकेज मिलता है, यानी कि जो कि टीवी एंकर होते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट कैसे बने इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे वीडियोस पाने के लिए करियर पीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके पास में बनी बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।